दो चार मठ के मठवासी लोग वैष्णव लोग ये आते हैं पढ़ते हैं कि महाराज जी की कृपा है। वो रुचि उस समय वो हिम्मत महाराज जी नहीं देते तो मेरी रुचि नहीं होती, मैं छोड़ देता। लेकिन महाराज जी की कृपा से ही, उनके प्रेरणा से ही, उनके मदद से ही बाद में संस्कृत विद्यालय चला जो आज भी चल रहा है। अभी महात्मा लोग पढ़ने को आते हैं, बालक लोग भी आते हैं पढ़ने को, संस्कृत पढ़ते हैं सीखते हैं। बहुत लोग उससे लाभ मिला है क्योंकि ठाकुर जी की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से, महाराज जी की कृपा से जहाँ जाता हूँ एक अच्छा तो सब होता है। कोई भागवत कर रहा है, कोई पढ़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये केवल महाराज जी की कृपा है। तो महाराज जी से धर्म को रक्षा करने के लिए, वैष्णव धर्म को रक्षा करने के लिए, भक्ति धर्म को रक्षा करने के लिए सब प्रकार से महाराज जी प्रयास किए सबको को सहारा। यहाँ पर एक एक नया बच्चा है, क्या नाम? पंडित। वो भी थोड़ा वैष्णव तत्व पर कुछ बोलना चाहते हैं, खड़े हो जाए तुम जी। बोलो बोलो, पहले 5 मिनट में बोलो। महापुरुष की चर्चाओं को सबके श्रवण कर रहे थे, जितने
भी वैष्णवों ने महापुरुषों का जयवर महापुरुषों का दर्शन किया। सब एक ही बात कह रहे थे कि कोई कह रहे महाराज जी हमारे स्वप्न में आए, यहाँ बैठे हुए प्रभु जी विराजमान है, उन्होंने कहा कि मेरे धर्म पत्नी जी को महाराज जी ने ऐसा उपदेश दिया कि वो विरह में अपने बहन के विदित होकर के दुखी रहते थे, उनका दुख दूर हो गया। कहने का आशय केवल इतना है, इन महापुरुषों के मुख में, इन महापुरुषों की जेवा में, महापुरुषों के कंठ में अमृत विराजमान है। कौन सा अमृत? तो किसी ने पूछा, बोले अमृत कहाँ रहता है? तो उत्तर दिया, अब्धौ विधौ वरुमुखे फलिनां निवासे स्वर्गे सुधा इति मुधा कवयो वदन्ति। बोले अमृत कहाँ रहता है? बोले अब्धौ अर्थात अमृत समुद्र में रहता है। अमृत समुद्र में है तभी तो समुद्र मंथन के माध्यम से श्री धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। तो बोले अमृत समुद्र में है। किसी ने कहा अगर समुद्र में अमृत है तो फिर अमृत फिर समुद्र खारा क्यों है, कड़वा क्यों है उसका पानी, उसे तो मीठा होना चाहिए। तो बोले नहीं, इसका मतलब जिस अमृत की हम खोज कर रहे हैं वो अमृत समुद्र में नहीं है, तो फिर कहाँ है? बोले अब्धौ विधौ अर्थात वो अमृत फिर चंद्रमा में है। भुवन भास्कर सूर्य अपने प्रचंड ताप से समस्त जगत को जब प्रकट कर देते हैं और समस्त ताप से समस्त जगत भुवन भास्कर के ताप से जब तपित हो जाता है तो भगवान चंद्र नारायण प्रकट होकर के और अपनी शीतल किरणों के माध्यम से समस्त जगत को अमृत प्रदान करते हैं, अमृत शरीर की शीतलता प्रदान करते हैं। तो अर्थात चंद्रमा में अमृत है। तो बोले अच्छा, चंद्रमा में अमृत है तो फिर उनको ग्रहण क्यों लगता है? राहु और केतु आकर के उनको खा क्यों जाते हैं? फिर भैया बढ़ना तो ठीक है शुक्ल पक्ष में, लेकिन कृष्ण पक्ष में छह क्यों होता है? छह नहीं होना चाहिए। तो बोले अमृत फिर चंद्रमा में भी नहीं है। बोले अब्धौ विधौ वधु मुखे अर्थात माताओं के मुख में अमृत है, किसी ने कहा। बोले अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर उनकी या उनके पतियों की मृत्यु क्यों होती है? अब्धौ विधौ वधु के फणिनाम निवासे, किसी ने कहा फणियों अर्थात सर्प के निवास स्थान पाताल लोक में अमृत है। अच्छा, तो सर्पों के निवास स्थान पाताल लोक में अमृत है तो भैया किसी के घर में बंदूक रखी हो और लड़ाई झगड़े में वो उसका उपयोग ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। चाहे कितना भी वैष्णव हो, कितना भी साधारण जीने वाला हो, लेकिन अगर बंदूक रखे तो लड़ाई झगड़े में उसका उपयोग करेगा ही। तो फिर भैया और हमारे शास्त्र भी कहते हैं, नकी नाम च श्रृंगी नाम च, नकी नाम च नदी नाम च श्रृंगी नाम शस्त्र पाणि नाम विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्री राजकुलेषु च। शास्त्र जब कहते हैं बोले नखधारियों का, शींग वालों का और नदियों का और शस्त्रधारी व्यक्ति का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो फिर अगर सर्पों के पास में अमृत है तो सर्पाणाम च महद्भयम्, सर्प लोग विशेष भय वाले क्यों होते हैं? उनको भय क्यों लगता है जब उनके पास में अमृत है? अर्थात सर्पों के निवास स्थान पाताल लोक में भी अमृत नहीं है। स्वर्गे सुधा इति मुधा कवयो वदन्ति, किसी ने कहा बोले स्वर्ग में अमृत है तो स्वर्ग में अमृत है तो फिर देवताओं का पतन क्यों होता है? तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विषाणम छीणे पुण्ये वर्तलोकम विशन्ति। स्वर्गलोक में भोग भोगने के बाद वो देवता पतित होकर के और वो मृत्यु लोक में पतन हो जाता है, उनका वो फिर पड़ते हैं। तो फिर ऐसा क्यों होता है, पतन क्यों होता है? अमृत अगर उनके पास में देवलोक में है तो पतन नहीं होना चाहिए। तो बोले अमृत फिर स्वर्गलोक में भी नहीं है। छारह क्षय प्रतिमृते पतनात् भयाच्च स्वर्ग, और बल्कि ये सब बातों का बता करके छारह क्षय प्रतिमृते पतनात् भयाच्च कंठे सुधा वसति वही भगवत जनार्दन। बोले वो अमृत और कहीं नहीं, वो इन संत महापुरुषों के कंठ में अमृत निवास करता है। कंठे सुधा वसति वही भगवत जनानाम, और ऐसा अमृत ये दो युगल महापुरुषों के कंठ में विराजमान था, जो महाराज अपने मुख कमल के माध्यम से इनकी जो निर्जरित हुई
वाणी के माध्यम से जो अमृत को जीव पान कर लेता तो अभयत्व को प्राप्त हो जाता। स्वर्ग का अमृत अमृत प्रदान करता है, किंतु संत महापुरुषों के श्रीमुख से निर्जरित वचन अमृत अभयत्व प्रदान कर देते हैं, जीव अभय हो जाता है। और ऐसे दो युगल महापुरुषों के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुप्रजाम्य हम नित्यम पूये येत्यम रेणु भी, श्री ठाकुर जी भी इनके पीछे पीछे विचरण करते हैं। बोले क्यों? क्योंकि ऐसे महापुरुषों के चरणों से उड़ने वाली चरण रज से अगर मैं अभिषिक्त हो जाऊं तो अनुप्रजाम्य हम नित्यम पूये येत्यम रेणु भी, तो मैं भी अपने आप को धन्य समझ लूंगा। इसीलिए भगवान भी ऐसे महापुरुषों के पीछे पीछे विचरण करते हैं। इसीलिए इन महापुरुषों का ऐसा वाणी में प्रभाव रहता है, बल्कि ऐसे महापुरुषों की कृपा, दो युगल महापुरुषों की कृपा हमारे ऊपर भी बरसती रहे। और ऐसे महापुरुषों के उत्सव में, जन्म शताब्दी महामहोत्सव में कुछ बाप पुष्पांजलि अर्पित करना भी बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ श्री श्रीधर महाराज जी के द्वारा, स्थान पुरुष हैं और विराजमान समस्त विद्युत वरेण्य महानुभाव आज के सवाल